Khushamdeed everyone! This is Heather Kazmi. And this is Dani Kazmi. Welcome to an amazing video of DCHND Reacts. Yes, well, आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे, उसका हम पार्ट वन कर चुके हैं. एलवी शरफ का पार्ट वन था ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार. यस, वो हम कर चुके हैं. इसके ऊपर मैं डिस्क्लेमर में वो लिंक डाल दूंगा, लेकिन इस टाइम पे हम देखेंगे उसका पार्ट टू आ चुका है, यानी एपिसोड टू एलवी शरफ की. तो आई गेस वी शुड प्ले द वीडियो राइट नाउ. एलविश खुद ही बता रहा है सब कुछ. दूसरी तरफ एलविश ट्यूशन टीचर की बेटी शालू को पसंद करने लगती है. स्नेहा एलविश को शालू के साथ देख लेती है और चली जाती है. अब आगे क्लास स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से 5 बजे वाली. दोस्त इधर आ गया. चम्मच घूमने पे ब्याह करा दूंगा. क्यों आ रहा हूँ बात करनी होती तो यहाँ भी तो कर सकती.
उसको कुछ काम होगा तभी बुला रही होगी ना भाई। यार तो कितना बुरा है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे मेरे से चाहिए। हंसी दिमाग, थोड़ा सेंसिबल दिमाग लगा दिया था। यार तू कितनी पीछे रह गया भाई, आजकल का मॉडर्न जमाना हो रखा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आजकल के लोग तो ना भी रहे कि क्या क्या करते हैं, ये तो फिर भी बेचारी किस्सियां मांग रही है। और तेरा भाई बुरा थोड़ी है, तेरा भाई भी तो अच्छा है, अगर इसे किस्सियां चाहिए तो तेरा भाई किस्सियां देगा। इतना तो करना ही पड़ता है ना। दो 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 किस्सियां आगे देखा क्या करें। पर अभी तो क्लास चल रही है, कैसे आ जाओ? कोई बहाना मार के आ जाओ ना। अच्छा रुको मैं ट्राई करता हूं। चले तो जा, वो आके बत्ती है जरूर कटिया हुई या कटरा। कटरा होता लड्डू ले आई अर्जेंट काम, इसी की बेटी की फोन। बैठ जा नीचे, लात मार दूंगा ऊपर चढ़ के। क्या बात करनी है? यार पता है तुझे, मैं घर से ना बहुत दिनों बाद बाहर गई थी। थैंक यू सो मच। जो फ्रेंडली वे में कर रही है ना, हाँ ये उल्टा तो नहीं हो गया? यार इसमें थैंक यू बोलने की कोई बातचीत थोड़ी है। तू मेरी दोस्त है यार, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, कर ले ना। अच्छा वो सब ठीक है, मैं क्या सोच रही थी, मैं ना कल अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और उसके बाद ना मैं एक घंटे के लिए फ्री हूँ। मैं सोच रही थी हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना ट्यूशन बंक करना पड़ेगा। यार ये कोई बोलने की बात है? मैं ट्यूशन तो क्या तेरे लिए, दुनियादारी छोड़ दूँ, ट्यूशन बंक कर लूंगा। तो मेरे पास लोकेशन भेज दियो, बंदा हाजिर हो जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। मैं कैसी बात कर रही है तू, फोन मार दे, सारी चीज सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके। आईपीएस टेस्ट क्लियर करने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। तेरे माइनस पार के कूपन ही है। आज ट्यूशन के बाद स्पाई करवाया, फुल सर्विस, शाला बूम बूम भाई। अपन ट्यूशन के बाद क्यों, अभी चलेंगे ना। मास्टर छुट्टी कर दे। ओ मास्टर छुट्टी कर दे, तेरे कहने तो छुट्टी कर दे। अरे तुम तो पढ़ो ना, हो बाकी बालक तो पढ़े। तो बालको एक बात बताओ, छुट्टी कर दो? अरे तो वोटिंग करने का भी टाइम नहीं दिया, चलो वही निकलो। हमारा टाइम भी छोटा सा कोई। हां बताऊं बेटा, चमेली के नाम तो अपनी मम्मी तक पूछ लियो, हाथ जोड़ के बात कर जा तू। मेरी मम्मी से सारे ही मम्मी मम्मी तेरे दोस्त की किस्म यही बार 500 रुपया कम है। हां किसका बाबा गुजर गया। ओए क्या बात हो गई? तो 3:30 बोल ना, बेटा छुट्टी हो गई ना। नेहा का नहीं पता, नेक्स्ट डेट पे। अबे ये कैसी जगह लेके आई,
चाहिए मेरे को तू यार, मैं तो सोच रहा था कहीं कैंडल लाइट डिनर पे चलते, लाइव म्यूजिक बज रहा होता, सेक्सी वाइब्स होती, और तू इस रेडी पे लेके आ गई मेरे को इस खटारा जगह पे। खटारा जगह कहाँ है यार, इतनी तो अच्छी जगह है, और तुझे पता है इसके मोमोज कितने अच्छे होते हैं, और मेयोनीज मजा आ जाता है। हाँ लग तो अच्छे ही रहे, पर यार तुझे नहीं लगता वहाँ कंफर्टेबल होके बैठते यार, वहाँ पे सीट वीट होती बढ़िया सी। भाई जी हाँ भी तुम्हें बैठ नीचे, यहाँ बैठ जाओ। अब यहाँ बैठूंगा का, मैं इस तकत पे है पागल। कितनी तो अच्छी जगह है ना, बैठ जाते हैं। हाँ वैसे बात तो तू सही कह रहा, बैठने की जगह तो तेरी बहुत बढ़िया। हाँ अब बता तेरे को क्या बात करनी है, पहले मेरी बात सुन। मुझे पता है तू क्या बोल रहा है, पर ये मैं सोचूं कि मैं क्या सोचूंगा, मुझे कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, जो भी तेरे दिल में बात है ना, ये नो है कि मेरे को मैं पूरा रेडी हो गया हूं। उसे रेडी होने का नहीं समझ, तो पता ही है मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। अरे पता है मेरे को यार तेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट के साथ साथ मेरे घर का हरामी का बच्चा भी पूरे ट्यूशन जानता है। अरे थोड़ा देख रहा है ना, बात तो सुनो, अब जैसे हम मिल रहे हैं साथ घूम रहे हैं, अगर मेरे पापा को इस बारे में जरा सी भी कनक लगी ना, बहुत गुस्सा हो जाएंगे यार। अबे तुझे पता नहीं है का बदमाश है, तू टेंशन मत ले, तू एक बार हाथों भर यार, मैं तेरे का रिश्ता ले आऊंगा हाथों भर। एल्विश कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुझे मेरे से शादी नहीं करनी का, मतलब तुझे मेरे साथ लिविन में रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, के पास बहुत सारे फ्लैट है, मतलब कोर्ट से मिलेगी 1 BHK 2 BHK 3 BHK पेंट हाउस, बता तो सही क्या बोले जा रहे हो तुम। अबे हम लोग यार फ्यूचर डिस्कस करने नहीं बैठेगा अब ना भैया, तब इनसे क्या बोलने जा रहे हो, एक दो हफ्ते में मेरे पापा मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर देंगे, और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्यार में ना ये सब ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता, सिर्फ दिल देखा जाता है। अबे दिल के साथ साथ इसकी रेडी भी तो देख लेती यार। अब इसको उसकी कदर आएगी ना स्नेहा की। हो गया फिर तुझे, और स्नेहा का क्या, स्नेहा का क्या,
क्या स्नेहा का क्या भाई, इतने दिनों से मैं तेरे को यही तो बात बताना चाहता हूँ यार कि स्नेहा तेरे को पसंद करती है। एक मिनट हेलो, स्नेहा मेरे को पसंद करती है तू ये बोल पागल है क्या? उसने मेरे को कभी बताई? तो तूने कभी उससे पूछा? वो तो बेचारी इस डर में थी ताकि तुम दोनों की दोस्ती ना खराब हो जाए और तू शालू के पीछे लगा हुआ था, तेरे को पता उसको कितना हर्ट हुआ था। भाई तू कैसी बात कर रहा है यार, तू तो सारे गिल्टी सा फील करा रहा है मुझे। हां तो होना भी चाहिए गिल्टी भी, बिल्कुल सही हो रहा। भाई तूने कभी आज तक मेरे से पूछा कि स्नेहा क्या कर रही है, कहां है, कैसी है, ट्यूशन क्यों नहीं आ रही, कुछ कभी पूछा? भाई तूने ही तो बताई कि उसकी तबीयत खराब है यार। अबे यार एविस कभी तो दिमाग की जगह दिल से सोच लिया कर भाई प्लीज। क्या हुआ स्नेहा के साथ? वो उसने देख लिया था इनको। नहीं ये स्टोरी क्या सुना रहा है? वो सुना रहा होगा इसने, वो तो मैं पसंद करती थी उसे तो मैं देखा तब से। तुम कितने डर गए ना? भाई फोन मिला उसको यार, मेरे को उससे मिलना है। Oh. भाई सीधा चल रहे हैं आज। भाई उसने मेरे को बोला था कि वो आएगी तो इट मीन्स वो गारंटीड आएगी ही आएगी और मेरे हिसाब से तो आने वाली होगी, टाइम तो हो गया भाई। ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो भीतर। अरे सर जी आ रहे हैं ना अंदर, आप अंदर चलो। और वैसे भी आपके लिए जो इज्जत थी ना पहले उस पर आपने मिट्टी पली, जो पैसे दे रखे हैं ना उनका ब्याज ले लूंगा। ओए अब हमारी इज्जत खत्म होगी? हम किसकी मान लेंगे भक्की, हमारी इज्जत ही खत्म होगी? आ जाओ बेटा बता दूंगा तुम्हें। पता नहीं कैसी छोटी पैदा कर रखी है, मोमोज वाले के अलकोर भगेक रहे हैं। मैं तो नहीं समझा इसे, स्नेहा है इसे ढूंढ लिया ना, इसे बिना ढूंढ लिया ये फ्रेंड होगा। अब ये खाली यार, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोस्त कहते हैं दो है ना। तू भी कंटिन्यूटी कंफ्यूजन डाल दी है इन्होंने। क्लास पे हाँ क्लास पे लोग हैं। हेलो गाइस, हाय। पसंद आई है तो भाई इसको लाइक कमेंट शेयर सब चीज करना। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या होगा। अब सच बताना भाई, तुम्हारे भाई ने कैट सस्पेंस में छोड़ा है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, मैंने बता दिया क्या करना है। पिछली बार भाई मैंने बोले थे 400,000 लाइक करने के, आप लोगों ने 600,000 लाइक कर दिए, बहुत ज्यादा होते मेरे लिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और भाई इस वीडियो में 500,000 लाइक मांग रहा हूँ, मुझे पता तुम कर दोगे, पर फिर भी 500,000 लाइक मांग रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे, तो जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कौन सा लगा, और याद रखना भाई 500,000 लाइक जल्दी कर दो यार। सस्पेंस वाकई में छोड़ दिया है, हमें पता नहीं यही दे सकते, हमारे पास में नहीं है। वेल सस्पेंस इसने बाकी छोड़ दिया। अब देखो, लेकिन मुझे पता है वो जो दूसरे ग्रुप के साथ आई ना, नहीं इनकी क्लास में दो ग्रुप थे, ये ग्रुप था एक, वो दो मोटे लड़कों वाला, ये उनके साथ आई और इसे मोड़ के इनकी तरफ देखा भी नहीं, इनके पास आके हेलो आई इनकी डर उनके साथ जा रही है देख के। तो अब सस्पेंस इसने छोड़ दिया है कि ये शायद वो इसको जॉयलेस करने के लिए आएगी, या फिर उधर सेट हो गया, या फिर उसने अपना आप सेट कर लिया क्या मैंने इन प्यार के मामले में। वरना सस्पेंस है ये तो इस वीडियो में भी क्लियर नहीं हुआ, पिछली वीडियो का सोचा था क्लियर होगा, देखते हैं बाकी क्या होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसकी एंडिंग अच्छी ही होगी, वो ये दोनों आपस में सेट होंगे, जो मेरा अपना ओपिनियन है पर्सनली, देखते हैं आगे क्या होता है। वेल और जो तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था इसमें? टीचर वाले मेरे, मुझे टीचर वाले फेवरेट सीन जितने भी थे वो ज्यादा अच्छे लगे। उसके टीचर का एक कॉमेडियन करेक्टर है। पर आपको कौन सा पसंद है या कौन सा सीन आपको पसंद आया हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर, बाय बाय।